हेलो फ्रेंड्स, आमी सोनाली। आपनादेर सबाइके आमार चैनल फेब्रुअरी नियारे स्वागत जानिए आमी आजकेर पर्व शुरू करब। आमी आज आपनादेर संगे शेयर करब बांगालीर भाजा मसलार रेसिपि। ऐ भाजा मसलाटी घुगनी, चाटनी, दई बड़ा, फुचका, विभिन्न स्नैक्स आइटेमे एवं विभिन्न भेज बांगाली पदे व्यवहार करा हय। चलुन देखे नेওয়া যাক এটা কিভাবে বানাবো। भाजा मसला बनाबार जोनो लागबे 3 टेबिल स्पून जीरा, 1 टेबिल स्पून धने, हाफ टी स्पून मौरी एवं मेथी एवं दुटो शुकनो लंका। प्रथमे ए फ्राइंग पैन टी आमी गरम करे निये छी, एर मध्ये एके एके सब मसला गुलो दिए देबो। मेथीटा खूब कम परिमाणे देबो, ना होले किन्तु पुरो मसलाटा तीतो होये जेते पारे। এবার বেশ কিছুটা সময় নিয়ে এই মশলাগুলোকে ড্রাই রোস্ট করব। আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারাও এইভাবে বানান, লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। एक थेके दो मिनट एटा ड्राई रोस्ट करार पड़े आपनारा देखते पाबेन जे कलर टा पुरो चेंज हो गेछे एबं एते खूब सुंदर एकटा गंध बेरुच्छे। तखन आमरा गैसेर फ्लेम टा अफ करे देव। ए फ्राई करा मसलाटा एकटा अन्य पात्रे आमी ट्रांसफार करे नेब जाते गरम फ्राइंग पैने मसलाटा बेशी पुड़े ना जाए। 15-20 मिनट पर मसलाटा एकदम ठंडा हो गेले एटाके एकटी ग्राइंडारे ट्रांसफार करे देव एबं एकदम मिहि करे गुड़िए नेब। তাহলেই রেডি হয়ে যাবে বাঙালির ভাজা মশলা। ভাজা মশলা রেডি হয়ে গেছে এবং এটাকে আমরা একটা এয়ারটাইট কন্টেনারে রেখে 4 থেকে 5 মাস পর্যন্ত ইউজ করতে পারি।